आज हम आपको पाइनएप्पल का हलवा बनाना सिखा रहे हैं। पाइनएप्पल का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए पाइनएप्पल, इतने बड़े बड़े पीस, 4 पीस मैंने लिए हैं, लगभग वो होगा 300 ग्राम। इसको पहले हम पीस लेंगे, इस तरह से उसकी प्यूरी बना लेंगे। यदि 300 ग्राम पाइनएप्पल है तो हम उसमें डालेंगे 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम खोआ। खोआ में इस तरह मैंने कलर मिलाया है, इसलिए ये ग्रीन लग रहा है, इसमें खाने वाला कलर मिलता है। 5 से 6 महीन कटे हुए बादाम, हाँ 3 से 4 बादाम महीन कटे हुए, 4 बड़ी छोटी इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, 1 टीस्पून देसी घी। और इसको बनाना कैसे मैं आपको बता रही हूँ। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसमें देसी घी डालकर गरम करेंगे। देखिए घी गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल और उसे हम चलाएंगे। जब तक इसको हम चला रहे हैं तो देखिए हम पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीस काट लेंगे। इसमें डालने के लिए इस तरह से इसका बीच का हिस्सा ये हम निकाल देंगे, जो कड़ा होता है इसका बीच का हिस्सा हमको निकाल देना है और इसके छोटे छोटे हमको पीस काट लेना है। इस तरह से बीच का जितना भी कड़ा हिस्सा है उनको निकालते जाना है। गैस की आंच को हम मध्यम रखेंगे और उसे हम पकाएंगे। इस तरह से हम इसके कड़ा हिस्सा निकाल दिए, इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। इसको भी इसी में ऐसे ही डाल देंगे। इसको भी बहुत से 3 मिनट भूनेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है हमको पाइनएप्पल को भूनते हुए। अब इसमें हम डाल देंगे ये 200 ग्राम के लगभग चीनी है, इसको डाल देंगे। इसको अच्छे से चलाएंगे। गैस की आंच को हम मीडियम में करके इसको एक प्लेट से ढक देंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट इसको हम पकाएंगे। जब तक ये पक रहा है तो ये हमने खोआ लिया था 200 ग्राम। खोआ में मैंने कलर मिलाया है, खाने वाला ग्रीन कलर। इस तरह से इसमें मैंने कलर मिला लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे महीन कटा हुआ बादाम, 1 छोटा टीस्पून दालचीनी पाउडर, 4 से 5 छोटी इलायची पाउडर और उसको इसी खोए में अच्छी तरह मिला देंगे। देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हम प्लेट हटा कर देखते हैं कि ये पाइनएप्पल पक गया है कि नहीं। पिसा वाला तो पक गया होगा, पीस वाला हम देखते हैं कि वो पक गया है। और देखिए पक गया है और ये चीनी में पानी छोड़ दिया है और इसमें गाढ़ा भी गाढ़ापन भी आ गया है इस तरह। और इसमें हम डालेंगे ये खोआ, मैंने बादाम, इलायची और दालचीनी पाउडर मिलाया था, इसको इसमें मिलाएंगे। गैस की आंच को हम थोड़ा तेज कर देंगे और इसे अच्छी तरह हम मिलाएंगे। पाइनएप्पल का हलवा बहुत ही कम घी में बन जाता है, इसमें घी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। कितना सुंदर कलर आया है। अभी इसको कढ़ाई छोड़ने में कम से कम 4 से 5 मिनट
लगेगा। देखिए ये 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये हलवा ने कढ़ाई छोड़ दी है और हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे सर्व करने के लिए एक बाउल में निकालेंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे 1 पीस बादाम का और इसे सर्व करेंगे। पाइनएप्पल का हलवा बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए और मुझे बतलाइए कि आपको कैसा लगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।